गाइस हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा था, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये क्लास 10 का है हमारा चैप्टर नंबर 13। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 13A को कंप्लीट किया था। अब हमारे पास इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 13B। देखो 13B में आपको क्या करना है, मेनली अब इसमें हमें करना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो देखो हमने सेक्शन फॉर्मूला किया है, अब आता है इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले का क्या रूल है हमारा, क्या उसका फॉर्मूला है, किस टाइप से हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो मिड पॉइंट सिंपल है, देखो जैसे हमने सेक्शन फॉर्मूला किया है तो अगर किसी सेक्शन फॉर्मूला में लेट कर लेते हैं, ये ए पॉइंट है x1 y1 एंड ये बी पॉइंट है x2 y2। तो अगर कोई पॉइंट पी इसका मिड पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट पी एक्स वाई इसका मिड पॉइंट है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाला पार्ट इसके पार्ट इक्वल होगा, तो इसका रेशियो होगा 1:1। देखो ये लेंथ कुछ भी हो सकती है, 2:2 हो सकती है, 3:3 हो सकती है, लेकिन रेशियो हमेशा 1:1 ही रहेगा, क्योंकि 2 और 2 लेंगे तब भी वो कैंसिल आउट कर 1:1 आएगा। तो सिंपल इनका रेशियो रहेगा 1:1। तो अब अगर हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हमने इसको m1 लेट किया है m1 और इसको लेट किया है m2, इसको x1 y1, ठीक है, x1 y1 x2 y2। तो x इज इक्वल्स टू क्या होता था हमारा, m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 डिवाइड बाय होता था m1 प्लस m2। अब हम देखेंगे इसमें x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर। तो x की वैल्यू देखो हमारे पास क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी m1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू क्या है x2 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1, x1 की वैल्यू क्या है x1 ही रहेगी, ठीक है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 करेंगे हम 1 प्लस 1। तो x की वैल्यू मिलेगी हमें x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 2, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 और डिवाइड बाय 2। तो ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला कि x अगर आपको फाइंड करना तो वो किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। सिंपल है बिल्कुल। ऐसे ही सेम y के लिए भी हम यूज़ करेंगे। y के लिए यूज़ अगर हम करते हैं m1 y2, ये y2 है हमारा, m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसमें अगर हम y की वैल्यू फाइंड कर दें तो y इक्वल्स टू क्या होगा, m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू y2 प्लस m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कितना 1 प्लस 1। तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, y2 प्लस y1 डिवाइड बाय 2, या फिर हम y के कह सकते हैं हम कितना, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया हमारा क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में अगर आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है तो उसके क्या होते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स फाइंड करने के लिए होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, यही है हमारा मेन फॉर्मूला। ये इसको ऐसा नहीं करना है, बस हम डायरेक्ट इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और वाई के फाइंड करने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, इसी के बेसिस पर क्वेश्चन करने हैं। एंड अगेन इसमें हमारा एक और इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पर, कि आपको क्या करना है, सेंट्रोइड्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई सेंट्रोइड्स है तो सेंट्रोइड्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सीखेंगे अब हम यहाँ पर। तो देखो अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, तो इसमें जो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है सभी साइड ऑल वर्टिसेस से, अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को हम सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम सेंट्रोइड बोलते हैं। और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ये हमारे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमें x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, अगर ये गिवन किया है हमें, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये जो एक्स और वाई की वैल्यू अगर हम इसे लेट किए, तो इस एक्स की वैल्यू तो होगी क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, एंड इस वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू होगी क्या y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। बस ये इतना छोटा सा आपको वर्क करना है, इसको याद रखना है, तो इसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ।
एक्सरसाइज 13B है हमारे पास। 13B में फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। इनका लाइन सेगमेंट का आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो सिंपल है बिल्कुल। इसके मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे जो हमने किया था अभी, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। तो अब अगर हम एक्सरसाइज पर आ गए हैं यहाँ पर, तो एक्सरसाइज 13B में फर्स्ट क्वेश्चन है हमें मिड पॉइंट ही फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें दे रखा है आपको, देखो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि लाइन सेगमेंट है हमारी, ए की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं -6.7 है, एंड बी की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं क्या 3.5। इसका मिड पॉइंट पी फाइंड करना है अब हमें एक्स वाई, तो क्या करेंगे इसमें, अब इसको करने के लिए फिर यहाँ पर अगेन लाइन सेगमेंट लेंगे और इसको फाइंड करेंगे हम, इसका ए और बी पॉइंट लेट कर लेते हैं इसमें भी हम, ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर 5.-3, एंड बी की वैल्यू कितनी यहाँ पर -1.7। ये फाइंड करना है, तो इसमें भी हम पी पॉइंट फाइंड कर लेते, पी पॉइंट लेट कर लेते हैं कि एक्स वाई है। तो सिंपल इसके अगर आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं मिड पॉइंट के, तो अगर ये मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है, तो इसके एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी क्या सिंपल x1 + x2 / 2। मींस एक्स की वैल्यू हो जाएगी क्या, एक्स वन की वैल्यू ये होती है एक्स वन, और वाई वन की वैल्यू ये होती है एक्स टू और वाई टू की वैल्यू। किसी को भी एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू लेट कर सकते हो। अगर आपने इसको एक्स वन माना तो इसको वाई वन ही लेना होगा। देखो एक्स वन और वाई वन एक साथ होंगे, एक्स टू और वाई टू एक साथ होंगे। तो अगर हमने इसको एक्स वन माना है तो इसको वाई वन मानेंगे, इसको एक्स टू माना तो वाई टू, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या लेंगे, एक्स वन की वैल्यू -6 प्लस एक्स टू की वैल्यू 3/2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर -3/2, एंड y की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो y = क्या हो जाएगा, y1 + y2/2। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y1 की वैल्यू 7 प्लस y2 की वैल्यू 5/2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 और 5 12 12/12। तो y की वैल्यू हो जाएगी 6 हमारी। तो ये हो गई हमारी एक्स और वाई की वैल्यू। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो गए, -3.2 and 6। सेम एज इट इज़ हम किसको फाइंड कर लेंगे, सेकंड वाले पार्ट में भी कर सकते हैं, इसमें भी फाइंड करेंगे हम। तो इसमें भी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, x1 + x2/2 के इक्वल होगी। इसको अगर हमने x1 y1 लेट किया है, x1 y1, इसको x2 y2 लेट किया है हमने, तो अब इसमें भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो इसके लिए x को करने के लिए हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू 5 प्लस x2 की वैल्यू -1/2। अब क्या करेंगे इसको, x = ये 5 ± - हो जाएगा / 2। x = 5 - 1 = 4 / 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, एंड y की वैल्यू देख लेते हैं अब इसमें, y की वैल्यू क्या होगी, y1 + y2/2। तो y = कितना हो जाएगा, y1 की वैल्यू कितनी -3 प्लस y2 की वैल्यू 7/2। y = कितना जाएगा, -3 + 7, तो जाएगा 4/2। तो y = 2। तो ये हो गई हमारी x और y की वैल्यू। तो p हो गया हमारा 2 and 2। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट इसका। तो सिंपल था ये क्वेश्चन हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसमें, क्वेश्चन नंबर टू है कि पॉइंट ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट्स 3.5 एंड एक्स वाई। ए और बी गिवन किया है आपको, ठीक है। ए और बी में अगर हम इसको इस तरीके से ए बी लेट करते हैं, तो कह रहा है कि ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हैं 3.5, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हैं एक्स वाई। द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज, मिड पॉइंट दे दिया इसका, ए बी का मिड पॉइंट मान लेते हैं पी है, और ये कितना गिवन किया है 2, 3। यहाँ पर जो बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स बोला है एक्स वाई है, ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। अब आपको फाइंड करना है इस एक्स वाई की वैल्यू को, ठीक है, इन एक्स वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो देखो वैसे हम क्या करते हैं, इसको एक्स वन वाई वन लेट करते हैं, ठीक है, इसको एक्स टू वाई टू लेट करते हैं, ठीक है। तो एक्स टू वाई टू लेट करते हैं इसको हम। अब इन पॉइंट्स को अब एक्स और वाई लेट नहीं कर सकते, मान लेते हैं ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ठीक है, ये वाली नेमिंग नहीं देंगे इसको हम, एक्स डैश है और वाई डैश है। तो अब इसमें के अकॉर्डिंग, मिड पॉइंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्स डैश जो होगा वो किसके इक्वल होगा, x1 + x2/2। एक्स डैश की वैल्यू हम रख सकते हैं 2, ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल है बिल्कुल। एक्स डैश की वैल्यू हम रख सकते हैं कितना, 2।
तो यहाँ पर हमने टू रखा, एक्स वन की वैल्यू कितनी रख सकते हैं हम, थ्री, एक्स वन की वैल्यू थ्री प्लस एक्स टू की वैल्यू एक्स है हमारी सिंपल डिवाइड बाय टू कर देंगे। अब हम इसमें टू को दर लेके आएंगे तो टू टू ज़ा फोर हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में दराकर मल्टीप्लाई में, थ्री प्लस एक्स, थ्री दराकर माइनस में हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स, तो थ्री माइनस फोर कितना हो जाएगा वन, एक्स की वैल्यू हो जाएगी वन। तो ये हो गई एक्स की वैल्यू। अब वाई की वैल्यू भी सेम एज इट इज़ फाइंड कर सकते हैं हम, वाई डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा, वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाय टू। वाई डैश की वैल्यू को अगर हमने थ्री लेट किया है, वाई वन किसको लेट किया हमने फाइव को, प्लस वाई टू हमने किसको लेट किया है वाई को, डिवाइड बाय टू, टू थ्री जा सिक्स और ये हो जाएगा इक्वल्स टू फाइव प्लस वाई, फाइव इधर आकर माइनस होगा तो माइनस, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन। सिंपल ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर टू में। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं अब हम, तो क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। थ्री में क्या बोला है इसने कि ए बी सी, ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, इफ एल इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी सो दैट एल एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। तो इस टाइप से आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है, यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है। इस ट्राइंगल में अगर हम ए बी सी पॉइंट ले लेते हैं, ए बी सी, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास फाइव कोमा थ्री है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस वन कोमा वन है, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास सेवन कोमा माइनस थ्री है। अब हमें क्या करना है, बोल रहा है कि इफ एल इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है एल, एल मिड पॉइंट है ए बी का, एंड एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, तो ये इक्वल पार्ट्स हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब ये कह रहा है कि इसमें शो दैट एल एम, सो दैट एल एम इज हाफ ऑफ बी सी, ऐसा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया भी है पहले भी। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले एल और एम के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो एम और एल के कोऑर्डिनेट्स कैसे, इसको मान लेते हैं एक्स वन वाई वन और इसको एक्स टू वाई टू, किसके लिए ए बी के लिए, ठीक है। एल के कोऑर्डिनेट्स अगर हम माने यहाँ पर क्या एक्स और वाई, तो एल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो एल के लिए फोर पॉइंट एल, एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू, ओके। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वन कितना फाइव, फाइव लेंगे हम यहाँ पर, प्लस एक्स टू कितना माइनस वन डिवाइड बाय टू ले लेंगे अब हम, तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फाइव माइनस वन डिवाइड बाय टू, एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी फोर डिवाइड बाय टू टू, तो ये हो जाएगी हमारी एक्स की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इसमें y की वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है, तो y इज इक्वल्स टू भी क्या होगा हमारा y1 वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू, तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा y1 की वैल्यू कितनी लेंगे थ्री प्लस y2 की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम वन, y2 की वैल्यू वन ले रहे हैं डिवाइड बाय टू, तो y इज इक्वल्स टू कितना होगा थ्री प्लस वन फोर डिवाइड बाय टू, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू, y की वैल्यू टू x की वैल्यू भी टू, ठीक है। तो अब ये हमारी x और y की वैल्यूज आ गई हैं, तो ये वाला पॉइंट आ गया है हमारा एल पॉइंट कितना टू कोमा टू, एंड नाउ अब हम फाइंड करेंगे फोर पॉइंट किसके लिए, फोर पॉइंट एम के लिए, ठीक है, फोर पॉइंट एम, फोर पॉइंट एम के लिए अगर हम एम को क्या मान रहे हैं यहाँ पर एक्स डैस वाई डैस मान लेते हैं, एक्स डैस वाई डैस, तो एक्स डैस की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एक्स डैस की वैल्यू इक्वल आएगी एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू, ये x1 y1 लेट कर लेंगे और ये लेट कर लेंगे x2 y2। x1 x1 कितना हमारा 5, x1 कितना हमारा 5, x1 5 प्लस x2 कितना हमारा 7, x2 7 डिवाइड बाय 2, x डैश कितना 5 प्लस 7 12 डिवाइड बाय 2, तो x डैश कितना हो जाएगा 2 6 12, एंड y कितना हो जाएगा हमारा y डैश एक्स वन प्लस वाई वन सॉरी वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू, वाई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा वाई वन थ्री वाई टू माइनस थ्री, तो ये जाएगा थ्री प्लस माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, वाई डैश कितना हो जाएगा हमारा थ्री माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, तो y डैश हो जाएगा हमारा ज़ीरो, क्यों, क्योंकि थ्री माइनस थ्री जीरो, जीरो डिवाइड बाई टू ज़ीरो, तो ये आ गया हमारा m पॉइंट कितना सिक्स कोमा ज़ीरो। अब देखो आप, अब यहाँ पर आप देखो l का, l के कोऑर्डिनेट्स आ गए टू कोमा टू, एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए सिक्स कोमा ज़ीरो,
नाउ अब LM और BC को फाइंड करो। डिस्टेंस ऑफ LM, LM का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, क्या करते हैं, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। किसी को भी X2 X1 Y, चलो इसको हम X1 Y1 और इसको X2 Y2 लेट करते हैं। तो X2 कितना माना है हमने, 6 माइनस X1 2 होल स्क्वायर प्लस Y2 माना हमने इसको 0 और माइनस Y1 2 होल स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर और ये 2 माइनस 2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 2 2 4, ये हो जाएगा √20। नाउ फाइंड करेंगे हम BC को फाइंड करने के लिए भी ऐसे कर लेते हैं हम, इसके लिए भी वही यूज़ होगा हमारा X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर। अब करेंगे अगर हम इसे, तो मान लेते हैं इसको X1 Y1 और इसको X2 Y2, तो ये 7 माइनस और ये माइनस इसमें भी है, तो ये जाएगा प्लस होल स्क्वायर प्लस Y2 है माइनस 3 Y2 है माइनस 3 और ये माइनस 1 होल स्क्वायर। एंड अब करेंगे अगर हम इसे 7 प्लस 1 8 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर 64 माइनस 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब इसको कर लेंगे अगर हम प्लस 16, 4 और 16 करेंगे तो कितना आएगा 6 और 4 10 का 0, 6 और 4 10 का 0, 1 कैरी, 7 और 1 80, ये आ गया हमारा 80। तो ये हो गया हमारा, अब देखो हम इसको रूट से बाहर भी ले सकते हैं, अगर हम इसके फैक्टर करें तो हम इसे रूट से बाहर भी लिख सकते हैं, जैसे 2 के फैक्टर 2 into 2, 8 के फैक्टर 2 into 2 और 10 के फैक्टर 2 into 5, तो 2 और 2 इसका मतलब 4 बाहर आ रहा है इसमें, इसे 4√5 लिख सकते हैं। एंड इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 into 2 into 5, इसको लिख सकते हैं हम 2√5। अब नाउ अगर हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि LM, हमें प्रूफ करना है कि LM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC का हाफ होगा। तो हम BC ले लेते हैं इसकी LHS साइड, ठीक है, RHS साइड ले लेते हैं हम इसकी, ठीक है, RHS लिया हमने क्या, BC कितना है इसका, BC का हाफ करो। BC कितना है, 4√5 है, BC का हाफ करेंगे तो कितना आ रहा है, 2√5 आ रहा है, और 2√5 किसके इक्वल है, LM के इक्वल है। तो ये हो गया हैंस प्रूफ्ड। तो ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि गिवन M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, गिवन M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ। तो फर्स्ट वाले पार्ट्स में देखो, इसने गिवन किया है हमें इस टाइप से, इसमें A फाइंड करना है, इसको हम क्या ले लेते हैं, X1 और Y1 लेट कर लेते हैं। एंड P मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट गिवन किया है, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन किए हैं, 1.7। एंड ये हमें गिवन किया है B, और B की वैल्यू कितनी आएगी, -5.10। अब इसको करेंगे हम सोल्व, तो कैसे करेंगे इसको सोल्व देखते हैं। तो इसको x, इसको y लेट, और इसको x2 और इसको y2 लेट। तो अब अगर हम इसे मिड पॉइंट फॉर्म में लगाते हैं तो x इज इक्वल्स टू क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल्स टू कितना है 1, तो x के प्लेस पर हम 1 ले लेंगे, यहाँ पर ही हमने 1 ले लिया है, ठीक है, 1, x1 की वैल्यू नहीं मालूम हमें फाइंड करनी है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, -5 डिवाइड बाय 2 इधर आकर 2 1 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x1 -5 इधर आकर +5 इक्वल्स टू x1, तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल्स टू x1। एंड क्या करेंगे इसमें y के लिए, y इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, y1 + y2 डिवाइड बाय 2 करते हैं अगर हम, तो y की वैल्यू कितनी है, 7 इक्वल्स टू y1 की वैल्यू प्लस y2 की वैल्यू 10 y2 की वैल्यू 10 और डिवाइड बाय 2 2 7 जो 14 इक्वल्स टू y1 + 10, 10 इधर आकर माइनस कर लेंगे इक्वल्स टू y1, माइनस करेंगे इसको कितना आएगा, 4 इज इक्वल्स टू y1। तो ये हो गई हमारी y1 की वैल्यू 4। तो ये आ गई हमारी x1 और y1, मतलब a कोऑर्डिनेट्स हो गया हमारा कितना, a कोऑर्डिनेट्स हो गया हमारा 7.5।
फोर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट भी सिंपल ऐसे ही है, इसमें इसने बी दिया है और ए और एम दिया है। इसमें भी अगर हम इस टाइप से इसे देखें तो इसने हमें क्या दिया है, बी फाइंड करना है, ए की वैल्यू गिवन की है 3, -1, एम की वैल्यू गिवन की है कितनी, -1, 3, एंड बी आपको फाइंड करना, मान लेते हैं इसको x2 और y2। तो सिंपल इसको x1 लेट करेंगे, y1 लेट करेंगे, इसको x और y लेट करेंगे। तो अब अगर हम इसमें फाइंड करेंगे क्या, x इजिकल्स टू करेंगे तो x इजिकल्स टू क्या आएगा, x1 + x2, यही फॉर्मूला यूज़ करना है, मिड पॉइंट है तो यही फॉर्मूला यूज़ करना है, और डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू -1 = x1, 3 प्लस x2 की वैल्यू, x2 ही रहेगी, x2 की वैल्यू यहाँ पर x2 रहेगी, डिवाइड बाय 2, 2 इधर आकर -2 और हो जाएगा 3 प्लस x2, 3 इधर आकर -3 = x2, ये कितना हो जाएगा -5 = x2, x2 की वैल्यू -5। एंड अब हम करेंगे इसमें y की, y = कितना हो जाएगा, y1 + y2 डिवाइड बाय 2, y की वैल्यू 3 = y1 कितना, -1 + y2 डिवाइड बाय 2, 2 × 3 = 6 −1 + y2, -1 इधर आकर +1 = y2। तो ये आ गया हमारा 7 y2 की वैल्यू। तो हमारा पॉइंट बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा -5, 7। तो ये सिंपल हमारा हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कि P -3, 2, P गिवन क्या है, इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी एज शोन इन द फिगर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अगर ये क्या है हमारे पास, ये ए बी गिवन क्या है, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सिंपल क्वेश्चन है हमारा, करते हैं इसको हम। इसको करने के लिए अब देखो, ए अगर वाई एक्सिस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पर क्या, 0, y बोलेंगे इसे हम, ठीक है, 0, y। और बी कोऑर्डिनेट्स अगर एक्स एक्सिस पर तो इसे क्या बोलेंगे हम, x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर सभी जगह पर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0, और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो इस टाइप से हम इसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि हम इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लें। तो अब अगर हम इसे क्या करते हैं, इसको x', इसको y' लेट करते हैं, इसको x1, इसको y1 लेट करते हैं, इसको x2 और इसको y2 लेट करते हैं, अगर हम स्क्वायर नहीं 2, ठीक है। तो अब इसमें ये जो b और a के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सिंपल इसमें हम क्या लेंगे कि p इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन क्या होगा हमारा, देन हमारा x' = होगा x1 + x2 डिवाइड बाय 2 के। x' की वैल्यू -3 लेट की हमने, x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू कितनी है x, एंड डिवाइड बाय 2, 2 × 3 = 6 -6, x की 0 + x, x ही हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -6। एंड फॉर y' = क्या होगा, y1 + y2 डिवाइड बाय 2, y' की वैल्यू 2 गिवन की है, y1 कितना गिवन किया है हमने, y1 गिवन किया है हमने कितना, y + y2 गिवन किया है कितना, 0, ठीक है। ये x1 और y1 लेट किए हमने, x1 और y1, ठीक है, ये डैश नहीं है, ये है डैश, डिवाइड बाय 2 से कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे यहाँ पर, 2 × 4 ये आ गया हमारा y। तो इसका मतलब b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6, 0, एंड a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, y, 0, 4। y की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 4 आई है, तो ये हो जाएगी 0, 4 हो जाएंगे। तो इस टाइप से करना था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब हम, यहाँ पर है हमारे पास सिक्स क्वेश्चन नंबर 6 के, इन द गिवन फिगर पी 4:4, 2 पी एक पॉइंट है, इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, ये क्या है, इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, ये क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है। तो देखो इसमें भी हम लेट कर लेंगे कि जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या लेट करेंगे, 0, y लेट करेंगे,
एंड ए के कोऑर्डिनेट्स क्या ऐड करेंगे, एक्स कोमा जीरो ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू जीरो और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो अगेन अब हम इसको क्या ऐड कर लेते हैं, एक्स वन वाई वन, इसको एक्स डैश वाई डैश, इसको एक्स टू वाई टू ऐड कर लेते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्स डैश करते हैं, तो एक्स डैश किसके इक्वल होगा, एक्स डैश इक्वल होगा एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू के। एक्स डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर इक्वल्स टू एक्स वन कितना हमारा, एक्स वन कितना जीरो, प्लस एक्स टू कितना हमारा एक्स डिवाइड बाय टू, टू से कर लेंगे तो टू फोर ज़ा एट इक्वल्स टू जीरो प्लस एक्स एक्स, एंड वाई डैश करेंगे अगर हम तो कितना आएगा, वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाय टू, वाई डैश करेंगे अगर हम, वाई डैश कितना हमारा टू, वाई डैश टू, वाई वन कितना हमारा, वाई वन कितना वाई, प्लस वाई टू कितना हमारा ज़ीरो, वाई टू ज़ीरो डिवाइड बाय टू, तो टू टू ज़ा फोर इक्वल्स टू वाई। तो ये आ गए हमारे, देखो अगर हम यहाँ पर एक्स डैश से एक्स की वैल्यू को देखें, एक्स की वैल्यू ये, तो ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे, ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए एट कोमा जीरो, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए जीरो कोमा वाई, तो यहाँ पर आएगा जीरो कोमा फोर। तो ये हो गए हमारे बी के कोऑर्डिनेट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर सिक्स हो जाता है हमारा सिंपल। क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर सेवन गिवन किया है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि माइनस फाइव टू थ्री माइनस सिक्स, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं किसी भी ट्रायंगल के, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल हम लेट कर लिया, ये इस ट्रायंगल के ये क्या है कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये क्या है थ्री कोमा माइनस सिक्स, इसको ए लेट कर लेते हैं, यहाँ पर बी लेट कर लेते हैं माइनस फाइव कोमा टू, माइनस फाइव कोमा टू, सी लेट कर लेते हैं कितना सेवन कोमा फोर, तो सी लेट कर लिया हमने सेवन कोमा फोर। अब ये कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स थ्री कोमा माइनस सिक्स, थ्री कोमा माइनस सिक्स से जो पास होने वाले मीडियन है, इस मीडियन की क्या करनी है आपको, लेंथ फाइंड करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन। तो मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है अब हमें। तो सबसे पहले अगर ये मीडियन है तो इसको टू रेशो में, इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा और इसको लेट कर लेंगे हम, ये क्या है हमारा एक्स कोमा वाई। इस एक्स कोमा वाई को फाइंड करने के लिए हम इसको एक्स वन वाई वन लेट करेंगे और इसको एक्स टू वाई टू लेट करेंगे। अब इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू, एक्स इक्वल्स टू एक्स वन की वैल्यू माइनस फाइव प्लस एक्स टू की वैल्यू सेवन डिवाइड बाय टू। तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, माइनस फाइव प्लस सेवन टू डिवाइड बाय टू, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन, एंड वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाय टू। तो वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वाई वन की वैल्यू कितनी लेट करेंगे टू, प्लस वाई टू की वैल्यू कितनी लेट करेंगे फोर डिवाइड बाय टू। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टू प्लस फोर सिक्स डिवाइड बाय टू, तो y की वैल्यू हो जाएगी थ्री। तो ये तो हो गई हमारी वैल्यू वन कोमा थ्री m की वैल्यू। अब इस a m की लेंथ अगर निकालेंगे हम, तो a m की लेंथ किसके इक्वल होगी, रूट में इसको अगर हम x1 y1 वन लेट कर लेते हैं और इसको x2 y2 लेट कर लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिंपल, x2 की वैल्यू 1 माइनस x1 की वैल्यू 3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 3 माइनस, फिर यहाँ पर एक और माइनस 6 है तो माइनस माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर करेंगे इसको सोल्व, तो ये आएगा माइनस 2 होल स्क्वायर, इसको करेंगे तो 9 होल स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4 और ये कितना जाएगा 9 9 ज़ा 81, ये कितना हो जाएगा 85, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन का। क्वेश्चन नंबर एट करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर एट में कह रहा है कि गिवन अ लाइन ए बी सी डी, एक लाइन ए बी सी डी गिवन की है जिसमें ए बी बी सी सी डी बराबर हैं, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ओ ए एंड डी, ए एंड डी के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। तो सिंपली इस तरीके से लाइन सेगमेंट दिया है आपको जिसमें ए बी सी एंड डी इस तरीके से पॉइंट्स दिए हैं और ये रेशो आपस में एक ये इक्वल है, ये सभी आपस में इक्वल हैं, ठीक है, इनका डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो अब इसमें अगर बी की वैल्यू दे रखी है जीरो कोमा थ्री, बी की वैल्यू दे रखी है जीरो कोमा थ्री, एंड सी की वैल्यू गिवन की है वन कोमा एट, सी की वैल्यू गिवन की है वन कोमा एट, तो आपको फाइंड करने कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड डी। तो ए एंड डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो हम क्या लेंगे, इसको एक्स वन, इसको वाई वन, इसको एक्स, इसको वाई, इसको एक्स टू, इसको वाई टू लेट करेंगे। तो यहाँ पर बी मिड पॉइंट होगा, ठीक है, टेक बी एज अ मिड पॉइंट, टेक बी एज अ मिड पॉइंट। तो अगर हम बी को मिड पॉइंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं तब हमारा
ये क्या होगी, एक्स इजिकल्स टू क्या होगा, एक्स इजिकल्स टू क्या होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाय टू, एक्स की वैल्यू ज़ीरो, एक्स वन ही रहेगा, एक्स टू कितना हो जाएगा, एक्स वन रहेगा, एक्स टू कितना हो जाएगा, वन डिवाइड बाय टू, टू इधर आकर ज़ीरो, एक्स वन प्लस वन, एक्स की वैल्यू जाएगी माइनस वन, एक्स वन हो जाएगा माइनस वन। एंड और क्या कर सकते हैं हम इसमें, वाई की वैल्यू ले सकते हैं, वाई इजिकल्स टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू, वाई कितना थ्री इक्वल्स टू वाई वन कितना, वाई वन ही रहेगा, वाई टू कितना एट डिवाइड बाय टू, अब टू इधर लेके क्या करेंगे हम, टू थ्री इधर सिक्स कर देंगे, इक्वल्स टू वाई वन प्लस एट, एट इधर आकर माइनस होगा तो माइनस एट इक्वल्स टू वाई वन, ये हो गया माइनस एट इक्वल्स टू वाई वन, तो ये हो जाएगा माइनस टू इक्वल्स टू वाई वन। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इसमें हमारे कितने, ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे माइनस वन, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए माइनस वन माइनस टू, ठीक है। एंड अगेन अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे देखो, सी को मिड पॉइंट लेट करके अब इस वाले कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लेंगे। इस वाले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए इसको हम क्या कर लेते हैं, एक्स टू वाई टू लेट कर लेते हैं, डी को एक्स टू वाई टू लेट कर सकते हैं, इसको एक्स और वाई लेट कर लेते हैं, एंड बी को हम क्या कर लेते हैं, एक्स वन और वाई वन लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेक सी एज अ मिड पॉइंट, सी एज अ मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यहाँ पर टेक सी बी एज अ मिड पॉइंट ऑफ, क्या ले सकते हो आप इतना, ए सी, ए सी का मिड पॉइंट लेंगे अगर हम, तो अब हम इसको कर लेते हैं, अगर हम कितना आएगा इसमें, सी को मिड पॉइंट लेते हैं हम, तो कितना आएगा, एक्स इजिकल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाय टू, ये होगा, एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारी, एक्स की वैल्यू वन होगी, इक्वल्स टू एक्स वन कितना होगा हमारा ज़ीरो, प्लस एक्स टू कितना होगा हमारा, एक्स टू रहेगा डिवाइड बाय टू, टू इधर आकर टू वन जै टू, एक्स टू हो जाएगा ये हमारा, क्योंकि जीरो प्लस एक्स टू रहेगा, तो एक्स टू की वैल्यू हो जाएगी टू, ठीक है। एंड अब हम इसमें वाई टू की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, y इजिकल्स टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू, वाई की वैल्यू एट इक्वल्स टू वाई वन की वैल्यू थ्री प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू, टू एट जा सिक्सटीन इक्वल्स टू थ्री, इक्वल्स टू थ्री प्लस वाई टू, थ्री इधर आकर माइनस कर देंगे तो सिक्सटीन माइनस थ्री इक्वल्स टू वाई टू, तो ये कितना हो जाएगा सिक्सटीन माइनस थ्री थर्टीन इजिकल्स टू वाई टू, तो वाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी थर्टीन। तो हमारा ये पॉइंट्स हो गया हमारा डी, डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए टू कोमा थर्टीन। तो सिंपल इस टाइप से क्वेश्चन नंबर एट करना था आपको। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है यहाँ पर, देखो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में क्या कह रहा है ये, कि वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज माइनस टू कोमा फाइव, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड ऑफ इट, इसका अदर एंड आपको फाइंड करना है, इफ़ द सेंटर्स ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का सेंटर आपको गिवन किया है। देखो इसमें भी तो मिड पॉइंट वाला ही केस बन रहा है, कि कह रहा है कि डायमीटर का एक एंड गिवन किया है, मान लेते हैं ए की वैल्यू इसने गिवन कर दी, इसको ए लेट किया हमने माइनस टू कोमा फाइव, ये इसका एक एंड है, अदर एंड आपको फाइंड करना बी, मान लेते हैं ये एक्स टू वाई टू है, इसका सेंटर इसने गिवन किया है कितना टू कोमा माइनस वन, टू कोमा माइनस वन इसका सेंटर इसने गिवन किया है, तो इसको लेट करेंगे हम एक्स और वाई, इसको एक्स वन और वाई वन, इसको एक्स वन और वाई वन लेट करेंगे। अब हमें फाइंड करना है इसमें एक्स टू और वाई टू की वैल्यू, अदर एंड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं इसमें, तो बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और एक्स इजिकल्स टू कितना हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाय टू, एक्स इजिकल्स टू देखो एक्स की वैल्यू टू रखेंगे, तो यहाँ पर टू इक्वल्स टू एक्स वन माइनस टू प्लस एक्स टू डिवाइड बाय टू, टू टू जब फोर कर देंगे इक्वल्स टू माइनस टू प्लस एक्स टू, माइनस टू इधर आकर प्लस टू इक्वल्स टू एक्स टू, ये कितना हो जाएगा सिक्स इक्वल्स टू एक्स टू। एंड नाउ वाई की वैल्यू का यूज़ करेंगे हम, वाई इजिकल्स टू क्या होता है वाई वन प्लस वाई टू, वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाय टू, y की वैल्यू कितनी है फाइव इक्वल्स टू वाई वन की वैल्यू कितनी फाइव, ओ सॉरी वाई वन की वैल्यू है माइनस वन, वाई वन की नहीं y की वैल्यू है माइनस वन, ये माइनस वन, वाई वन की वैल्यू फाइव है, वाई वन की वैल्यू फाइव है, प्लस वाई टू फाइंड करना है डिवाइड बाय टू, टू वन जा टू माइनस का टू इक्वल्स टू फाइव प्लस वाई टू,
फाइव इधर आकर माइनस का फाइव इक्वल्स टू वाई टू, ये हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे इसमें फाइंड करेंगे इसको कितना हो जाएगा माइनस सेवन, तो ये हो जाएगा वाई टू की वैल्यू। तो हमारा बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए क्या सिक्स कोमा माइनस सेवन, तो ये इसके अदर एंड के कोऑर्डिनेट्स हो गए। सिंपल था क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। क्वेश्चन नंबर टेंथ देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर टेंथ में कह रहा है कि ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, गिव द स्पेशल नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को स्पेशल मतलब स्पेशल नेम से भी आपको बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, क्या है इसमें, ठीक है। अब अगर हम इसमें ए की वैल्यू ले रहे हैं टू कोमा फाइव, बी की वैल्यू ले रहे हैं कितना वन कोमा जीरो, सी की वैल्यू ले रहे हैं कितनी माइनस फोर कोमा थ्री, डी की वैल्यू ले रहे हैं कितना माइनस थ्री कोमा एट, माइनस थ्री कोमा एट, ठीक है। ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स इसके। तो अब हम इसमें देखेंगे ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है किसके, मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। तो ए सी का मिड पॉइंट लेट कर लेते हैं, ए सी का मिड पॉइंट है हमारा कितना ओ, ठीक है। लेट ओ इज अ ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का मिड पॉइंट हम लेट कर लेते हैं ओ को। तो अब इसको अगर हमने मिड पॉइंट लेट किया तो ओ के कोऑर्डिनेट्स अगर हम क्या लेट कर रहे हैं एक्स और वाई लेट कर रहे हैं, और इनको एक्स वन वाई वन और इसको एक्स टू वाई टू लेट किया है, तो क्या होगा इसमें हमारा एक्स इजिकल्स टू क्या होगा हमारा एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू। एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारी, एक्स की वैल्यू एक्स ही रहेगी, एक्स वन कितना होगा हमारा टू प्लस एक्स टू कितना होगा हमारा माइनस फोर डिवाइड बाय टू। एक्स इजिकल्स टू कितना होगा टू माइनस फोर डिवाइड बाय टू, तो एक्स इजिकल्स टू कितना होगा माइनस टू डिवाइड बाय टू, तो एक्स इजिकल्स टू हो जाएगा कितना हमारा एक्स इजिकल्स टू हो जाएगा माइनस वन। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे सी ए बी सी डी को ज्वाइन किया हमने, अब y की अब इसमें y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पहले x की तो वैल्यू फाइंड हुई, अभी हम y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। इसमें हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, y इजिकल्स टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाय टू। वाई वाई वन की वैल्यू कितनी फाइव प्लस वाई टू की वैल्यू कितनी थ्री डिवाइड बाय टू। वाई इजिकल्स टू एट डिवाइड बाय टू और y इजिकल्स टू कितना फोर, तो ये हो जाएंगे हमारे ओ के कोऑर्डिनेट्स कितने, ओ के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे कितने माइनस वन कोमा फोर। नाउ क्या करेंगे अब हम, अब करेंगे इसमें हम किसको लेट करेंगे, अब हम किसको लेट करेंगे बी डी के मिड पॉइंट को लेट करेंगे। लेट मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है, यहाँ पर बी डी बना लेते हैं हम बी डी, ये हमने डी लेट कर लिया, लेट कर लेते हैं माइनस थ्री कोमा एट, ये हमने लेट कर लिया डी वन कोमा जीरो, और इनका मिड पॉइंट लेट कर लिया हमने ओ डैश, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे कितने एक्स डैश और वाई डैश। इसको एक्स वन और वाई वन, इसको एक्स टू और वाई टू लेट कर लेते हैं। अब इसको करेंगे अगर हम तो क्या होगा इसमें, तो इसमें जो एक्स डैश होगा वो किसके इक्वल होगा एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाय टू के इक्वल। एक्स डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स डैश, एक्स वन कितना माइनस थ्री प्लस एक्स टू कितना वन डिवाइड बाय टू, तो एक्स डैश कितना माइनस टू डिवाइड बाय टू, एक्स डैश कितना माइनस वन, ठीक है। एंड नाउ वाई डैश कितना, वाई डैश कितना, वाई डैश कितना हो जाएगा हमारा वाई वाई डैश हो जाएगा हमारा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाय टू। वाई डैश की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो वाई वन कितना हमारा एट प्लस वाई टू कितना ज़ीरो डिवाइड बाय टू, तो ये कितना हो जाएगा वाई डैश एट डिवाइड बाय टू। वाई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर। तो अब हमारे ओ डैश के कितने कोऑर्डिनेट्स आ गए, ओ डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए वन माइनस वन कोमा फोर, तो माइनस वन कोमा फोर हमारे ओ डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। ओ और ओ डैश हमारा देखो बिल्कुल सेम आ रहा है, ओ इजिकल्स टू ओ डैश आ रहा है, ये इक्वल्स टू है ओ के, तो दोनों ही हमारे मिड पॉइंट सेम है, तो इसका मीन्स दोनों का मिड पॉइंट सेम है, दोनों का मिड पॉइंट सेम है ओ, ठीक है। ये दोनों का मिड पॉइंट सेम है मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो अब इसमें क्या देखना है हमें कि अपोजिट साइड, अपोजिट साइड हमारी क्या है यहाँ पर इक्वल है या नहीं है, या फिर इसके डायगनल्स को देख लो आप, डायगनल्स अनइक्वल होने चाहिए। तो डायगनल्स अगर अनइक्वल हो गए तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसकी साइड्स को देख ले सकते हैं हम, तो यहाँ पर अगर हम देखें इसमें
इसको क्वाड्रिलेटरल कैसे बोल सकते हैं हम? क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं कि क्योंकि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए डायगोनल्स बोल सकते हैं हम, क्योंकि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए हम इसको पैरोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम इसको कह देंगे कि इट इज़ अ पैरोग्राम। या फिर आप इसमें क्या कर लो, इसको चेक कर लो कि अपोजिट साइड इक्वल आनी चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल अनइक्वल होनी चाहिए। जैसे डायगोनल अगर हम ए सी निकालें, ए सी की लेंथ कितनी आएगी, ए सी की लेंथ अगर हम क्या करते हैं इसमें एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर करते हैं और इसमें वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर एक्स टू की वैल्यू कितनी, एक्स टू की वैल्यू माइनस फोर, एक्स टू की वैल्यू माइनस फोर, माइनस वाई वन एक्स एक्स वन की वैल्यू टू होल स्क्वायर, प्लस वाई टू की वैल्यू थ्री माइनस वाई वन की वैल्यू फाइव होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा माइनस सिक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस टू होल स्क्वायर। इसको अगर सोल्व करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, थर्टी सिक्स प्लस टू टू जब फोर कितना हो जाएगा, ये फोर्टी, ये फोर्टी हो गया। एंड अगर हम क्या करें इसमें बी डी फाइंड करें, तो बी डी के लिए हम क्या करते हैं, बी डी के लिए भी हम यही करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको एक्स वन वाई वन और इसको एक्स टू वाई टू लेट कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्स टू की वैल्यू कितनी, एक्स टू की वैल्यू माइनस थ्री और माइनस एक्स वन की वैल्यू वन होल स्क्वायर, प्लस वाई टू की वैल्यू कितनी एट माइनस वाई वन की वैल्यू ज़ीरो होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस एट होल स्क्वायर। यहाँ फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और यहाँ एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिक्सटीन और सिक्सटी फोर हो जाएगा ये टेन एट्टी। तो देखो इसके डायगनल्स क्या आ रहे हैं, अनइक्वल आ रहे हैं, डायगनल्स अनइक्वल आ रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको पैरोग्राम भी कह सकते हैं अभी। ठीक है, इसको पैरोग्राम भी हम कह सकते हैं, तो इसलिए पैरोग्राम है। ठीक है, और भी अब क्लेरिफाई करना है तो इसकी अपोजिट साइड को इक्वल और दिखा देना है, तो हम इसको अपोजिट साइड को इक्वल दिखा कर भी हम दिखा सकते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल्स हैं। ठीक है, एंड डायगनल्स अनइक्वल हैं, डायगनल्स अनइक्वल हैं, देयर फॉर इट इज़ ए क्या, देयर फॉर इट इज़ ए पैरोग्राम, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरोग्राम। ठीक है, तो इसको हमने पैरोग्राम बोल दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर टेंथ। तो इस टाइप से करना था आपको क्वेश्चन नंबर टेंथ। फिर हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका।